है। तो ये क्या हमको मांगने का आदत डाल दी, हम देने वाले लोग थे लेकिन अब हम सरकार से मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, ये क्या व्यवस्था बनाई है इन्होंने? ऐसा सिस्टम बन गया है कि जो पब्लिक है वो भिखारी बन गई है। पब्लिक भिखारी बन गई है। और ये कह रहे हैं गति हो रही है। देख आजकल लूट लूट खसोट का सिस्टम चल रहा है देश में। ईमानदार नहीं है ऊपर बैठे लीडर्स। अगर बड़ा ईमानदार, या फिर ऐसा नहीं, ऊपर जाएगा ईमानदार जा ही नहीं सकता इस सिस्टम में, जा ही नहीं सकता तो क्या। अब देख बेईमानी ऊपर बढ़ेगा। टीएन सेशन नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि 26 जनवरी बिल है क्या। मेरे माइक पे आपने लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ इधर से 26 जनवरी बिल। आज उसी से मिलती जुलती एक कॉन्सेप्ट के एक व्यक्ति हमारे पास आए हैं। ये कह रहे हैं इस भारतीय लोकतंत्र में लोकमत का परिष्कार होता है, यानी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हम कहते हैं जब, तो वोट कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनमें वोट बटता है, तो ज़्यादातर वोटों को हम जो हार जाते हैं उनको हारा हुआ कहकर उनको लोकमत परिष्कार कर देते हैं, मतलब उनके वोटों को जो जिनको मिलता है उसको हम अलग कर देते हैं और एक विनर निकालते हैं। विनर कितने पे निकलता है? 30% वोट पे। 30% वोट पे हम MLA MP चुन लेते हैं और वो सबकी काम नहीं करता, वो अपना समीकरण बनाता है, चाहे वो MY समीकरण बना ले, चाहे वो दलित का समीकरण बना ले, चाहे वो ब्राह्मण का समीकरण बना ले, लेकिन वो अपनी अपना एजेंडा चलाता है, पूरे देश की बात नहीं करता, वो एक लोकलाइज बात करता है, लेकिन हम उसे लीडर सबका बना देते हैं। इसीलिए देश में विरोध होता है। और इसी इसी बात को सुधार करने के लिए हमारे साथ प्रबोध जी हैं। प्रबोध जी कितनी उम्र है आपकी? 76 की उम्र में आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि देश में मेजोरिटी का रोल हो। और मेजोरिटी 20-30 आदमी से भी हो जाती है, पर ये हमें जो है जितने ज्यादा से ज्यादा 51% से कम अगर वोट लेता है कोई आदमी तो वो तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वही वही बन जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। ये तो गलत। ये तो मेजोरिटी की जब आप बात करते हैं तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में तो 4-5 कैंडिडेट खड़े होंगे, तो 50% वोट मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उसमें कैसे? एक बार सिस्टम लागू हो जाएगा तो सब धीरे धीरे उसी के अभ्यस्त हो जाएंगे। अच्छा, एक दो सिस्टम है इसके लिए मेजोरिटी को हैंडल करने के। एक तो होता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में जैसे अमेरिका में क्या होता है कि 50% तो मिलना ही है एक को, तो क्या वैसा कर दे? अगर टू पार्टी सिस्टम होगा तो ज्यादा ज्यादा लोगों की आवाज नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे विविधता बहुत है हमारे देश में। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कम से कम पार्टी, ऐसे नहीं कि हर कोई खड़ा हो गया और पार्टी बना दी, ये नहीं। पार्टी एक दो पार्टी होनी चाहिए, तीन होगी, और जिसका जो आधे से कम वोट लेता है वो उसको जीता हुआ नहीं मानना चाहिए। हाँ, वो अच्छा, मैं हम एक हम 26 जनवरी बिल पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे वोट पड़ता है, ठीक है, तो वोट पड़ता है तो एक प्रोसीजर होता है चुनाव आयोग में, जमानत जब्त बच जाती है तो उसे कहते हैं छठा भाग। अगर किसी को छठा भाग वोटों का मिल जाए, पड़े हुए मतों का, जैसे किसी को 100 वोट टोटल पड़े अगर चुनाव में, और किसी को 16-17 वोट मिल गए, छठा भाग है लगभग, तो उसकी जमानत बच जाती है, यानी कि उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया जाता। तो हम जो 26 जनवरी के माध्यम से कह रहे हैं, 26 जनवरी बिल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी को 50% वोट नहीं मिलते लेकिन 30% मिलते हैं, तो उसे 30% की पावर दो। दूसरे नंबर पर जो आया, जैसे खेलों में होता है, उसे सेकंड पावर दो, मतलब 3-4 लोग निकालो सिस्टम में से, वो ज़्यादा बेटर तरीका, क्योंकि टू पार्टी डेमोक्रेसी तो इस देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो हो नहीं सकता। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं आपको मेरा कहना यह है कि हमारे देश में शासन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। खाली हम ऐसे पीछे लग जाते हैं किसी के भी और उसको पार्टी बना लिया। कल परसों मैं आता रहता हूँ कभी कभी यहाँ, कल परसों एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी को नहीं दो, मिनिमम आधे से ज्यादा जो है उसी को चुन के आना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 लोग निकल जाएं तो क्या ही दिक्कत है। खेलों में हम निकालते हैं, हम स्कूल्स में 1st, 2nd, 3rd डिवीजन होता है, ज्यादा अलग अलग पार्टी के भी आ जाएं तो क्या ही दिक्कत है। अगर एक नहीं निकल पा रहा है भाई, अगर एक नहीं निकल पा रहा है तो 2-3 लोगों को कलेक्टिव लीडरशिप आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? कलेक्टिव उससे टारगेट अचीव नहीं होगा, हमें हिट करना है
लक्ष्य के ऊपर टारगेट, फिर तो राजा ही चाहिए। अगर टारगेट को अगर हम लिख, फिर तो बाय फोर्स हो जाएगा। अगर आप लोगों को जबरदस्ती करके कि इसी को चुनो तो तब तो बाय फोर्स हो जाएगा, वो तो आपत्तिजनक है। जैसे अमेरिका में सिस्टम है कि भाई एक मतदाता आप जीत रहे हो, विनर से ज्यादा विजेता से ज्यादा यहाँ पर सफलता महत्व रखनी चाहिए। एक स्कूल में एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकंड आता है, लेकिन फेल होता है तो कम ही होते हैं ना। सफलता सबको मिलती है, अगली क्लास में सब जाते हैं, लेकिन राजनीति की ऐसी क्लास है कि यहाँ पे एक ही पास होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं, फेलियर बोल देते, सबको फेंक देता सिस्टम निकाल के। इतना क्रूर सिस्टम है ये, क्या इसमें सुधार नहीं हो सकता? क्या 26 जनवरी बिल लागू नहीं हो सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सुधार नहीं हो सकता। ये हर सिस्टम में सुधार संभव है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है हमारा, ये जब संविधान बनाया था तो संविधान में ये बोला गया था कि अच्छे और लायक काबिल उम्मीदवार चुनने हैं आपको। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा था, चुनाव आयोग को ये जिम्मा दिया था चुनाव कराने का, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुमको विनर लेके आना है, उन्होंने कहा था लायक जनप्रतिनिधि लाना है, लेकिन इन्होंने उसको लायक की परिभाषा विनर कर दी। क्या जीतने वाला लायक होता है? जीत तो कोई भी सकता है, अगर वोट बढ़ जाएंगे चार जगह तो एक विनर आ जाएगा, क्या वो लायक होगा? नहीं, ऐसा लायक हो ही नहीं सकता। हमें पार्टी सिस्टम करना चाहिए, दो तीन से ज्यादा पार्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब ये सिस्टम आ जाएगा, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ रख गृह रंजिया, कोई बात नहीं, हम उठा के दे देंगे अभी आपको। देखिए आपकी उम्र इतनी है, अभी पार्किंसन भी है आपको, लेकिन ये जो विचार आ रहा है चुनाव सुधार का, आप कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर इसीलिए राजनीति होती है, पैसा और शराब की आधारित राजनीति होती है, बाहुबल पे आधारित राजनीति होती है, चमचों की राजनीति होती है, टिकट की राजनीति होती है, ये सब जो कुरीतियां हैं राजनीति की, वो इसी वजह से हैं कि आपको पूरा फुल फ्लैश हम वो परसेंटेज नहीं मिल पा रहा है, हमारा लीडर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम लोग इस सिस्टम की सारी विकृतियां आ रही हैं। ऐसा है 20-30% वोट लेकर के कोई राजा बनना चाहता है तो ये तो न्याय तो वो करेगा ही नहीं। हाँ। वो तो उस ग्रुप को ही संतुष्ट करेगा। हाँ, वो तो अपने ही ग्रुप को, जैसे मैं हिंदुओं का नेता हूँ तो मैं हिंदू का बना रहूंगा, आप मुसलमान के हो तो मुसलमान के बने रहोगे, मैं दलित का हूँ तो मैं दलित का बना रहूंगा, आप ब्राह्मण के हो तो ब्राह्मण के बने रहोगे, क्योंकि उतने से मुझे जीत मिल जा रही है तो मैं सबकी बात क्यों करूँ, सबकी तो कोई बात करता ही नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो है जो थोड़े से वोट लेने के बाद भी वो गद्दी पे बैठ जाता है। हाँ। ये ठीक नहीं है। हाँ। ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? हाँ। धीरे धीरे लोगों में घुटन होने लगेगी। हाँ। देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। हाँ, यही तो हो रहा है, दिन रात आंदोलन होते हैं, लोग परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारा तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, पता नहीं कौन बैठा हुआ, हमारा तो नेता ही नहीं था, 70% आबादी तो उसे चुनती नहीं जो नेता बन जाता है। हाँ। एक बात और मैं बताऊं आपको, जब वोटिंग होती है तो कहते हैं 100 वोट है तो 60% तो ऑलरेडी पड़ता है वोट, यानी 40% तो वैसे ही इस व्यवस्था में आना नहीं चाहते, जो कहते हैं यार छोड़ना वोट डालने से कुछ नहीं होता, जो आना आएगा, तो 40% तो वहीं हट गए। 60% 70% वोटिंग होती है, उस 70% में से भी 3-4 पार्टियां हैं उसमें वोट बढ़ जाता है, ठीक है, अब तो नोटा भी आ गया, एक और पार्टी बना दी उन्होंने, तो मतलब बांट के 10-15% पे मुझे लगता है कभी कभी हम लोग निकाल लेते हैं। गलत है, जनता का प्रतिनिधित्व ये लोग कर ही नहीं रहे, जब 50% से कम ले रहे हैं पर बन जाते हैं, जीते मान लेते हैं, जनता का तो वो ले ही नहीं रहे। या तो इनको जीता हुआ नहीं मानना चाहिए, या तो कलेक्टिव होना चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों अगर ऊपर जाएंगे प्रशासन में जाएंगे तो तीन लोग जाएंगे प्रशासन के अंदर। ऐसा था 1952 के इलेक्शन में, मैं बता दूं कि कांग्रेस के एक जगह ऐसा हुआ कि दो, एक फर्स्ट था और एक सेकंड रनर अप था, किसी को 25 लाख वोट मिले किसी को 22 लाख, उन्होंने कहा इतने लोगों को हम फेंक नहीं सकते, दोनों को MP बनाया था, ऐसा था 1952 के इलेक्शन में, उसके बाद ये व्यवस्था हटा दी गई। क्या ये व्यवस्था फिर से आनी चाहिए? बिल्कुल, सुधार हर संभव है अगर जनता डट जाए तो। टकराव होगा, जनता इनको भगाएगी, लेकिन जनता तो व्यवस्था परिवर्तन की बात ही नहीं करती, जनता तो सत्ता परिवर्तन की बात करती है, एक बार तू आ जा, एक बार मैं आ जाऊं, एक बार वो 20% वाला आ जाता है, एक बार दूसरा 20% वाला आता है, 50% वाला, 60% वाला, 80% वाला तो आता ही नहीं कभी। बस यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे अच्छे नेता आए हमारे देश में। अच्छे नेता कैसे आएंगे जब 20% में जो सब अपनी बात करते हैं, कोई कहता है दलित की बात करेगा सिर्फ, कोई आदिवासी की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुस्लिम की बात करेगा, कोई देश की बात करता ही नहीं है। वो इसलिए वो देखते हैं कि 20-30% भी वोट आ जाएंगे तो हम जीत गए, हम राजा बन गए, गद्दी पे बैठ गए, तो सबकी क्यों कहा करें?
सबकी क्यों करे। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है विधानसभा के अंदर उसको पता होता है इस टेरिटरी के अंदर ये वोट है, ये मेरा वोट ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, वहाँ काम नहीं कराता, जहाँ उसके चेले चपटे होते हैं या जहाँ उसको वोटर होता है वहीं काम कराता है, और फिर जब वो जाते हैं अपने काम को लेकर, कह रहे तुमने हमें वोट नहीं दिया। तो आपने सिस्टम ने जबरदस्ती सबका एमएलए बनाया, वो सबका एमएलए तो था नहीं, नहीं था है? सबका एमएलए नहीं था, सबको सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो ना, इसकी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो 50% से ज्यादा एक आदमी को वोट मिल जाए तो सबका मतलब ज्यादा सबका तब भी नहीं होगा लेकिन ज्यादा से, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको 50% वोट मिले, किसी को 30 मिले, जो भी अपनी जमानत बचा लेता है उसको भी सिस्टम में ले आओ, भाई तेरे लिए ये आदमी है तुम्हारे लिए ये है, थोड़ी थोड़ी उसकी ताकत के हिसाब से उसको पावर बांट दो, जो एमएलए की पावर होती है। क्या कहेंगे इस विषय? ऐसा है, ये 26 जनवरी बिल है बेसिकली, ये देखिए लिखा ना 26 जनवरी बिल, यही 26 जनवरी बिल है, एक ऐसा कानून जो कहता है कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हॉरिजेंटल तो हमने कर दिया, पंचायत चुनाव तक चले गए, लेकिन वर्टिकल हमारा नहीं हुआ, वर्टिकल नहीं हुआ हमारा, हॉरिजेंटल हो गया। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर सुधार करना चाहेंगे ऊपर बैठे अगर नेता ईमानदार है तो सब सिस्टम में चेंज हो सकता है। अच्छा, कितना अच्छा आपने पैम्पलेट बनाया कि 20-30% लोगों का ही ध्यान रखा जाता है, 70-80% लोगों की उपेक्षा होती है, पैसा और शराब पर आधारित राजनीति होती है, बाहुबल पे, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी कर दिया हमने, हमारे यहाँ विजय नहीं होती थी, हमारे यहाँ जय होती थी, हम राम जी की जय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय श्री राम, राम जी की जय बोलते हैं, जय का मतलब होता है विन विन सिचुएशन, आप भी जीते मैं भी जीता, युद्ध में हार जीत होती है, लोकतंत्र में हार जीत कौन लेके आएगा, जीतने वाले को इतना महत्व दे दिया, लोकतंत्र में तो जीतने वाले को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, भाई जीतने वाला जीता, किसी को हम हरा थोड़ी ना रहे हैं, एक जनता दूसरी जनता को हराने लगी तो फिर तो गलत है ना, ये तो युद्ध की नीति होती है। हाँ, बिल्कुल गलत है। हाँ, आपके बात सही है, विजय की जगह जय आना ही चाहिए। हाँ, जय जयकार होनी चाहिए, आपकी भी जय मेरी भी जय। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं ये सुधार करना ही नहीं चाहते, तो सुधार करेंगे कैसे, इनके इनकी तो चाबी पहले से टाइट होती है, इनको ये तो सिस्टम यहाँ पे, तो अभी आप एमपी चुनोगे एक, ऐसे ऐसे व्हिप जारी कर देती है पार्टी कि भाई इस व्हिप के अलग नहीं जाओगे, आप अलग से अपनी बात नहीं रख सकते पार्लियामेंट के अंदर, इतने सारे सिस्टम है, कैसे गुलाम बना के रखा हुआ है एमपी को, आप आजाद चुनते हो वो गुलाम हो जाता है पार्टियों का, क्योंकि सिंबल की राजनीति चल रही है, इतना कुछ तो है, सब कुछ गुलाम बनाने की तो व्यवस्था है इसमें, कहाँ आजादी है, क्या लगता है? आजादी है ही नहीं, आजादी का वो लोगों को फायदा मिल ही नहीं रहा, अंग्रेज चले गए लेकिन व्यवस्था में जो गुलामी है वो अभी भी है। एक सज्जन है जो कि गुंडों की राजनीति करते हैं। हाँ, गुंडों की राजनीति करते हैं, आपने 20-30% गुंडों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। हाँ, आपको 70 की परवाह नहीं भाई, गुंडे गुंडे इकट्ठे हो जाएं या एक जैसे मेरे मत के इकट्ठे हो जाएं, जो मेरी तरह बोले वो इकट्ठे हो जाएं, मुझे सबकी पर जरूरत क्यों है, सबकी क्यों सुनूंगा मैं, जब जरूरत ही नहीं है तब सुनोगे ही नहीं, सुनोगे नहीं तो जब आपको जरूरत महसूस होगी तब सुनोगे, और जरूरत तब महसूस होगी जब व्यवस्था बदलोगे, व्यवस्था बदलते नहीं है सत्ता बदल देते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, व्यवस्था बदलने का, आप पहले व्यक्ति मिले हो जो 26 जनवरी बिल के बारे में इतना कुछ, मुझे नहीं लगता कि आप आए वहां से, मैंने देखा मुझे लगा ये क्या है, मैं अक्सर इस विषय पे बात नहीं करता, जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि 26 जनवरी बिल है क्या, 26 जनवरी बिल मैं बता दूं आपको, ये है कि भाई इस लोकतंत्र के अंदर, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत कम परसेंटेज पे हम उम्मीदवार को एमएलए एमपी बना देते हैं, जो कतई सही नहीं है, वो विजेता तो है लेकिन सही मायनों में जनता का प्रतिनिधि नहीं है, वो विजेता उसको कह दो आप, विनर कह दो, लेकिन वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि उसको पूरी जनता ने वोट नहीं किया। हाँ, अगर उसकी जगह अगर जनता के प्रतिनिधि निकालने हैं तो हमें कम से कम 2-3 निकालने पड़ेंगे, पहले नंबर के 2-3 निकाल लो, 3 अगर ने कम से कम निकाल लिया जिसने भी अपनी जमानत बचा ली, अगर उन सबको निकाल लिया, उनसे कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर अगर आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि उनकी कलेक्टिव लीडरशिप में देश चले, तब तो है लोकतंत्र, वरना ये फिर वही राजतंत्र है कि भाई 10-20% अपनी फौज बना लो चमचौकी और राज करते रहो, बिल्कुल, और किसी की सुनो मत, नहीं गलत है ये, इससे इसको इससे भद्दा क्या कहा जा सकता है कि ये गुंडों की राजनीति बन गया, गुंडों की राजनीति बन गई। देखिए बहुत सारे मेरे वीडियोस भी अभी 26 जनवरी बिल का भी लिखेंगे तो उसमें मैंने पूरी तरीके से समझाया कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका हल भी है, और वो अमेरिकन हल नहीं है कि 2-पार्टी डेमोक्रेसी कर दो, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, बोली हैं, तरह तरह के विचार हैं, तो 2 पार्टी में सिमट नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग जरूरत है, इसलिए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सही है, ज़्यादा पार्टियाँ होना कोई बुरी नहीं है, लेकिन कम से कम सबको बिठा के
कलेक्टिव लीडरशिप की बात होनी चाहिए, ना कि विनर को निकाल के और उसको पूरे देश पे थोप दिया जाना चाहिए। एक विधानसभा पे विनर थोप दिया जाता है, एक लोकसभा पे विनर थोप दिया जाता है, जो कतई अनुचित नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, देश में चुनाव नहीं होना चाहिए, देश में जुड़ाव होना चाहिए। चुनाव में हम एक निकालते हैं और जुड़ाव में हम ज़्यादा लीडरशिप निकालते हैं। तो जब शब्द ही गलत है चुनाव, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, सेवा नीति होनी चाहिए, सेवा करने की नीति। तो ये शब्द ही अपने आप में इतने आपत्तिजनक है कि राजनीति और चुनाव, ये दोनों शब्द हटने चाहिए। राजनीति की जगह युद्ध शब्द शुरू होना चाहिए सेवा नीति, और चुनाव की जगह शब्द होना चाहिए जुड़ाव, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना कि चुन रहे हैं। चुनने में तो बाकी लोगों को फेंका जाता है, अगर एक प्लेट में से मुझे एक चीज चुननी होगी तो फिर मैं बाकी चीजों को फेंक दूंगा। और लोकतंत्र में फेंका नहीं जाता, समेटा जाता है, कलेक्शन होता है, ना कि डिसेक्शन। ये तो डिसेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब काट छाट के अलग करो और एक आदमी को निकाल लाओ और वो उसको सुपर हीरो बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो सिस्टम है, हाँ, इससे नेता जो भी बन रहे हैं, हाँ, ये प्रतिनिधि नहीं है जनता। ये हमारा सिस्टम का, अंग्रेजों का सिस्टम है ये। अब ये जो संविधान निर्माता लिख, संविधान, वैसे तो मैं संविधान की भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान लिखा उसमें ये सिस्टम नहीं था फर्स्ट पास द पोस्ट, उन्होंने चुनाव आयोग को बोला। तो ये चुनाव आयोग ने बनाया वो सिस्टम है जिससे हम जनप्रतिनिधि नेता चुन रहे हैं, ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल सही नहीं है, ये जो सिस्टम है इस समय ये बिल्कुल सही नहीं। मैं बता दूं, पॉलिटिकल सिस्टम में ही गड़बड़ है, पॉलिटिकल सिस्टम यानी चुनने के सिस्टम में गड़बड़ है। जब हम नेता गलत तरीके से चुन रहे हैं तभी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर नेता सही चुना जाता, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है उसको पार्टी में भी जगह नहीं मिलती, उसको लात मार के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो हाँ में हाँ नहीं मिलाता। जो चमचा होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास बाहुबल होता है, उसी में, और पार्टी एक गैंग होती है। पार्टी किसकी बनती है? मूर्खों का समूह बनता है, अकलमंद आदमी अकेला ही चलता है। और समूह बना के ये क्या कर रहे हैं कलयुग में, तो समूह संगठन को बना लेते हैं, 500 सयाने लोग मिल जाते हैं, और मैं तो कहूँगा बेईमान लोग मिल जाते हैं, और मिलकर कहते हैं कि लूटना है। अब किसको लूटा जाए? पब्लिक को लूटते हैं। और क्या है इस सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम का निचोड़ यही है। अंग्रेज लूटते थे एक सिस्टम बना के हमारी जनता को, अब ये काले अंग्रेज आ गए हैं, और इनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, इनके पास इतनी समझ भी नहीं है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ते क्या हैं? वही अंग्रेजियत पढ़ते हैं, वही यूरोपियन सिस्टम पढ़ते हैं। अगर इन्होंने अपना सिस्टम पढ़ा होता, इन्होंने अपनी चीज़ें जानी होती, अपनी पुरानी संस्कृति में ही चले गए होते, तो सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन पता होता। गांधी जी तो कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उन्होंने ग्राम सभा की बात की, सब खत्म हो गया। अब तो ऐसा है कि एक एक देश एक आदमी बैठ जाएगा और वो अपनी तरह से हाकेगा पूरे देश को। बिल्कुल यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। तो इससे तो देश के अंदर विद्रोह पैदा होगा, क्योंकि हमारे देश में तो को एग्जिस्टेंस है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की सभ्यताएं हैं, इतने सारे लोगों को एक डंडे में आप नहीं हाँक सकते। एक कानून, एक चीज़, एक वहाँ तो हम अपने हम गाँव के स्तर पर ही अपनी समस्याएं सुलझा लेते थे पहले। न्यायिक व्यवस्था में चले जाइए आप, लड़ाना ही शुरू करेंगे, आपको सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल फेल हैं। जो ये जितने लीडर्स हैं, हाँ, इनको शॉर्टकट पता लग गए हैं, हाँ, कैसे इस कानून में से अपने अपने फेवर में लेना है। सीधा 20 करोड़ रुपया है आपके पास, पार्टी में टिकट ले लो, 50 करोड़ रुपया है, राज्यसभा की सीट ले लो, रिश्वत दो और नेता बन जाओ सीधा, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई भी आ रहा है, कहीं से भी कोई गुजर रहा है। और एक मजे की बात ही है, अगर आप चुनाव में जाएंगे तो एक डीएम जो नौकर होता है, वो डीएम तय करता है आपका नॉमिनेशन। आप भारत के नागरिक हो, वो तय करेगा आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे। आपके फॉर्म में कोई भी गलती निकाल देगा, एक ही जगह ऐसे ए थोड़ा आपका सिग्नेचर ना थोड़ा ऊपर से नीचे हो गया, इस बेस पे आपका अधिकार ही छीन लिया जाता है इस सिस्टम में आने के लिए। क्या कहेंगे उस पर? सब ठीक है, सब ठीक तब माना जाएगा जबकि पब्लिक का सही प्रतिनिधित्व होगा। मोटी मोटी बात यह है कि जब तक अच्छे नियम बनाने से देश अच्छा नहीं होगा, अच्छे कानून, बड़े बढ़िया कानून बनाने से देश अच्छा नहीं होगा, अच्छे लोगों को ऊपर पहुंचाने से देश अच्छा होगा। अगर सज्जन आदमी ऊपर नहीं है तो आप कोई भी कानून बना लो, जो चोर बैठा दिया आपने सत्ता पर, उसे किसी कानून से रोक नहीं सकते। वो कानून का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज करेगा,
कानून को अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि वही तो बैठा हुआ है, वो अपनी परिभाषा खुद बना लेगा, कहा कुछ और जाएगा तो अच्छी बात करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा आदमी जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, जो धरातल में मिट्टी में मिला हुआ है, उसको ढूंढ के लाना होगा, उसके पैर पकड़ने होंगे और उससे कहना होगा भैया तू संभाल सकता। लेकिन वो किसी की गुलामी नहीं करेगा, वो किसी की चमचागिरी नहीं करेगा, वो वोटरों को फ्री लैपटॉप की लालच नहीं देगा, वो वोटरों को फ्री में टिकट नहीं, बस का टिकट नहीं बांटेगा, वो अनाज नहीं बांटेगा, वो सही बात करेगा, जो भी जनता के लिए सही होगी वो होगी। लेकिन इतने लुभावने दौर है, जनता भी तो लालची हो गई है, उसको झूठे झूठे सपने दिखाए जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, तो जनता भी लालची है, राजा भी लालची, और मिलता किसी को कुछ नहीं है। नहीं ऐसा है, स्वाभिमान नहीं आया हमारे देश में, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। हाँ सब, अब तो पहले तो कहते थे कि भाई अब तो सब लोग, मैंने देखा यहाँ पे बड़े बड़े लोग रिजर्वेशन मांगने आ जाते हैं, भीख, सब कोई भीख मांग रहा है कि हमें दे दो, और मिलता किसी को कुछ नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही है, तो ये क्या हमको मांगने का आदत डाल दी, हम देने वाले लोग थे, लेकिन अब हम सरकार से मांगते रहते हैं ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो, ये क्या व्यवस्था बनाई है इन्होंने? ऐसा सिस्टम बन गया है कि जो पब्लिक है वो भिखारी बन गई, पब्लिक भिखारी बन गई है, और ये कह रहे हैं भिखारी का ही अधिकार है, जो जो भीख मांग रहा है, जो गरीब है उसी का अधिकार है, जो सही है उसका अधिकार नहीं है, गरीब और अमीर से मतलब नहीं है, परिस्थितियां किसी को भी गरीब कर सकती हैं, अमीर कर सकती हैं, लेकिन जिसका स्वाभिमान चला गया, जिसकी सेल्फ रेस्पेक्ट चली गई, उसको ये अधिकार दे रहे हैं, कह रहे तू अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मार, अगर पार्टी में जाता है तो अपना व्यक्तित्व मार दे, अपने विचार मार दे, गुलामी कर, हर नौकरी में आता है तो अपनी सही से काम मत कर, जो हम ऑर्डर करें वो कर, हर जगह गुलामी करा रहे हैं ये, यानी आपका सेल्फ, आपका जो नरिश आप खिल सकते हो वो आपको खिलने ही नहीं दिया जा रहा है इस सिस्टम में। बिल्कुल नहीं, जनता का प्रतिनिधित्व ये लोग कर ही नहीं रहे इस समय हमारे देश में, और दुनिया कोई कह रहा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब छोटे छोटे बातों के लिए लोगों को यहाँ आके बोलना पड़ता है, उकसाते हैं, तो ये गलत है ना, क्यों जरूरत पड़ रही है? एक अगर आपके साथ कोई थाने में छोटा सा भी आपके साथ अगर क्राइम हो जाए, किसी गांव में आप जंतर मंतर प्रधानमंत्री को लिखते हो, तब भी कोई काम नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं होता? जंतर मंतर पे आते हैं, दरख्वास्त लगाते हैं, बस कागज है लगा दिया उसको, राजा की इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास जो हमारे प्रधानमंत्री है उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं, छोटे से आदमी को भी न्याय दिला सके। व्यवस्था का गुलाम है वो, राजा भी गुलाम है व्यवस्था का, मतलब इस व्यवस्था में सब गुलाम है, सब नौकर हैं इस व्यवस्था में, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी आप उसका कुछ नहीं है, ये कहाँ से व्यवस्था ले आए, ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी हमारे पास। ऐसा है हमारे देश में जो टॉप पे है, जो टॉप पे है वो ही अगर गलत रास्ते पे चल रहा है, वही सुधार नहीं चाहता तो सुधार हो ही नहीं सकता, जो सबसे ऊपर, या उसको समझ ही नहीं है, कहते हैं कि उसको शायद ये चीज पता ही नहीं है, या हम ये बात कह नहीं पा रहे हैं, या हम समझा नहीं पा रहे हैं, उसको शायद हल ही ना पता हो इसका, उसे यही लगता हो, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है, उसको लगता है कि यही व्यवस्था है, कभी कभी व्यवस्था खोने का भी डर रहता है कि इतनी मुश्किल से तो ये व्यवस्था मिली है हमें ऐसा लगता है इसको छोड़ देंगे तो कहीं हम डूब ना जाएं, ऐसा इसलिए पकड़े हुए हैं इस व्यवस्था को। सबसे सिंपल बात ये है, एक तो जो चुना जाता है वो अपने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। हाँ ये नहीं है कि भाई आप चुने गए अब आप जनता की सेवा करो। हाँ नहीं, वो तो आप देखिए, नहीं नहीं इतना डर बना दिया है कि उसको ये लगा, हार का डर रहता है हमेशा कि हार ना जाओ, उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा फैला दिया, 10 दिन के अंदर चुनाव बदल जाता है, आपको तुरंत ही कुछ भी आपका वीडियो बना देंगे, कुछ बना देंगे, पूरा करेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, मीडिया पूरी तैयार रहती है उसमें, मतलब एक आदमी को गिराना है तो 2 मिनट में गिरा सकते हो उस पर, कुर्ता जितना सफ़ेद कुर्ता होगा उतना दाग लगेगा, जितना ईमानदार होगा उतनी जल्दी दाग लगेगा, उस पर दाग लगा दो और फिर कह दो ये भी चोर है, क्योंकि वो तो उनका तो रंगीन कुर्ता है, ऑलरेडी चोर है, लेकिन जो साफ आदमी जाता है वो इस डर से मेरा कुर्ता मैला ना हो जाए राजनीति में नहीं जाता। आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पता है वहाँ पे तो चोरी होती है, गाली मिलेगी। चोरी छोड़िए, डकैती हो रही है। देखकर लूट खसोट का सिस्टम चल रहा है देश में, ईमानदार नहीं है ऊपर बैठे लीडर्स, अगर बड़ा ईमानदार, या फिर ऐसा नहीं, ऊपर जाएगा ईमानदार जा ही नहीं सकता इस सिस्टम में, जा ही नहीं सकता तो क्या, अब देख बेईमानी ऊपर बढ़ेगा। टीएन शेषन दे इतने अच्छे चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग वो चुन हार गए। हाँ चुनाव हार गए, चुन के नहीं जा सकता। हाँ। ये भी बड़ी विडंबना है कि जो सच्चा आदमी है इस देश में वो चुन के नहीं जा सकता, क्योंकि वो जुड़ाव में तो जा सकता है लेकिन चुनाव में नहीं जा सकता। चुनाव की व्यवस्था में आपको साम दाम दंड भेद ये चारों आने चाहिए,
यानी कि आपके पास माल भी होना चाहिए, आपके पास दिमाग, खुरापाती दिमाग भी होना चाहिए, वोट खरीदने की ताकत होनी चाहिए, वोट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होनी चाहिए, जनता को बहकाने की ताकत होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तभी आप चुनाव जीत सकते हो। आप कितने अच्छे हो वो मैटर नहीं करता, आप कितने चालाक हो ये मैटर करता है। देखते रहिए मिनी संसद।